फ्रेंड्स वीरू का एक और दांत टूट रहा है। हिला 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 के दिखा, हिला के दिखा, ये है नीचे ऊपर का, ऐसे ये नीचे वाला दांत है, हिल रहा है, सारा दांत टूट जाएगा तब भी नहीं निकल रहा है। अरे रुकना फ्रेंड्स, मम्मी वीरू का एक दांत टूट रहा है नीचे वाला पूरा, हम कह रहे हैं ना ऐसे करके निकाल दो, निकल जाएगा उसका, एक ऊपर से खींच दो, एक नीचे से उठा दो, दोनों निकल जाएगा, दो दो दांत एक साथ निकल रहा है, सारा दांत तुम्हारा एक ही बार झड़ जाएगा, आगे से बुड्ढी हो जाओगी। पानी नहीं पियो सुबह से, लो पियो ना, दे दांत खींचो, करो निकलेगा, खूब ज्यादा निकल जाएगा वो, उस पर जीभ लड़ा बार बार निकल जाएगा, टेढ़ा होके बैठा है वो, खाना खाओ खाना उस पर आराम से आराम से। आज एग्जाम हुआ कि नहीं? आज एग्जाम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। आज मेरी वीरू सबसे अच्छा काम की है, और थैंक यू क्लास टीचर मैम गीता मैम कि आपने वीरू की बात को समझा, और इसको रोल करके रोटी मैम ने दिया है गुड़ पराठा, और वीरू खा रही है। आज जो है वीरू का टिफिन एकदम 100% फिनिश हुआ है, ये लास्ट है। सब बस चल, हम लोग आ गए। हेलो, स्कूल से बहुत तेज धूप है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसी में रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, सब बन रहा है। कितना अच्छा हवा लग रहा है फ्रेंड्स। मैंने एक जुगाड़ लगाया, ये लाके लकड़ी लगाया, और यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं, मोही और वीरू, छत पर से कूने का मजा ले रहे हैं। भैया ना हिलाओ बेटा, बाबू ना हिलाओ, ऊंचाई पे खड़े हो ना बेटा। वीरू इधर देख, कैसा लग रहा है यहाँ से, दुनिया कैसी लग रही है बेटा? अच्छा लग रहा है, दुनिया बहुत बड़ी है ना, कैसे कैसे क्लाउड्स हैं, एकदम रुखा मौसम है, खूब तेज धूप है, खूब तेज गर्मी है। एक दिन ऐसा आएगा ना, हम तीनों घूमेंगे दुनिया, ऐसे तो खिड़की और छत से देखने से मन नहीं भरता है, दुनिया घूमने को मन करता है ना बाबू? मेरा मोबाइल ना अभी 8वें फ्लोर पे है, अगर गिरा तो चन्न सीधा नीचे हवा में। सेल्फी बनता है ना अपने चिप्स के साथ में। मेरा चिप्स है भाई, इस पे नाम लिखा है रेनू। है ना, खाने क्या करते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इस पे नाम लिखा है रेनू, और ये खाएंगे मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे बाबूजी, ठीक है, और जो जो आएगा मेरे घर पे वो सब लोग खाएंगे। ये रहा मेरा चिप्स, सारा मैंने फैला दिया, आधा किलो अभी नीचे है, और ये रहा ट्रेन जा रहा है छुक छुक करके, और ये रहा पूरा पुणे भोरपड़ी। काफी दिनों से मैं छत पे नहीं आ रही थी। वसया मोर रेलिया के डराई पर की चुड़िया, अब हम पहिरा बना जब हम पहिरे झुमका, जब हम पहिरे कंगना, मोरे सैया को दे दिच अंगना के कंगना, अब हम पहिरा बना उसैया मोरे रेलिया के डराई पर की चुड़िया, अब हम पहिरा बना। तो ये लोहा मुझे मिला है, लोहे का रॉड अच्छा सा मिल गया है बिना मेहनत के, देखिए अब नहीं उड़ेगा, और मैं आराम से चिप्स फैला के तब जाऊंगी नीचे, लेकिन इधर भी उड़ने की गुंजाइश है, इधर भी कुछ चाहिए ना, यहाँ तो चिप्स फैलाओ चाहे मत फैलाओ सब सूख जाएगा। जल रहा है आलू भी, और सिर भी जल रहा है, पूरा शरीर जल रहा है धूप से, कोई बात नहीं, लेकिन जो चिप्स खाने का मजा है ना वो तो अलग ही लेवल का है। अरे उड़ो नहीं भाई, अरे उड़ो नहीं, उड़ो नहीं, उड़ो नहीं, ढेला लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे, लगा, हम तो ध्यान ही नहीं दिए कि ढेला भी लगाना पड़ेगा इस पर। रुको लाते हैं, अब ये सिर्फ फैलाना है, एक साइड ही गरम था, बहुत ज़्यादा गरम है, पानी तो झर गया जितना झरना था,
लियो भाई लियो, अब चारों ओर बांट दे प्रसाद, उसके बाद तब बिछाया जाएगा फैला फैला के। लियो तुम भी लियो। अभी जो तो लगभग आधा किलो आलू मेरा पड़ा हुआ है किचन में, पानी में डाल के रख दिए हैं। भगोना एकदम फूल हो गया था, तो भगोने में अब उबालना, उबालने का मतलब कि गिरता नीचे, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भैया पहले इतना डाल दे, लेट भी हो रहा है ना, डेढ़ बजे जाना है। ओहो एकदम बॉर्डर पर जाकर रुका है बच्चों को लाने भी जाना है। चलो यार कोई नहीं, काम होने से मतलब है सारा काम निपट जाना चाहिए। जाओ भाई जाओ, श्रीलंका जाओ, तुम जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान से मंगा के चिप्स खाएंगे हम। ये जाओ न्यूजीलैंड, ये जाओ ऑस्ट्रेलिया। चलो भैया फैलाया जाए अब इधर भी। हे प्रभु बड़ी तेज धूप है, एक बार बैठ जाओ तो बैठ ही जाओ। कबूतर का झुंड उड़ रहा है कितना सुंदर। और ये रहा मेरा 3 किलो आलू, 100 का 3 किलो आलू ले आए, मीडियम साइज था, ज़्यादा बड़ा नहीं मिला। लेकिन आज मैं जाऊंगी ना तो आज मैं बड़ा बड़ा लेके आऊंगी। वो 40 रुपीज़ केजी है, तो 120 का ही पड़ रहा है, ओनली 20 रुपीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। मैं अफसोस कर रही हूँ कल की, मैं क्या सोच के तो 100 रुपीज़ का 3 केजी ले ली मीडियम साइज़। मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी मीडियम साइज़ का चिप्स बनाने में, और जब मैं 40 रुपीज़ केजी का लाऊंगी ना तो खूब फर्स्ट क्लास बनेगा, खूब बड़ा बड़ा चिप्स। बहुत कड़कती धूप है फ्रेंड्स, बज रहा है 11:45। 11 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, सबके सामने पब्लिश हो जाती है, और बज रहा है 11:45। मैं तो खुद ही अपना वीडियो नहीं देख पाती फ्रेंड्स। ये मेरे हस्बैंड जी का ड्यूटी वाला कपड़ा है रेलवे का, जो ड्राइवर लोग पहनते हैं सिलवा सिलवा के। मैंने मतलब उन्होंने ना कभी सिलवाया नहीं, ये कपड़ा बड़ा वो है नायलॉन का है, और इंजन में गर्मी ज़्यादा लगती है। अभी ट्रेन कोई जा रहा है आसपास में, आवाज़ कर रहा है इतना, तो इसीलिए मैं उनको निकाल ली हूँ अपने कपड़े को चिप्स डालने के लिए। वो अपना कॉटन सिलवाते हैं, दूसरा पहनते हैं, जो रेलवे से मिलता है वो किसी लायक नहीं है। क्योंकि मैं अपने बालकनी में ढेर सारे कपड़े फैला रखी हूँ, गद्दे भी डाली हूँ धूप में, ब्लैंकेट भी धुल दी हूँ, सो मुझे लगा कि अब छत पर डालना सही है क्योंकि अब बालकनी में जगह नहीं है। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ छत पर चिप्स डालने के लिए, और ये रहा मेरा एक भगोना चिप्स। एक्चुअली काफ़ी दिनों से छत का लॉक लगा हुआ था ना, तो मैं गार्ड भैया से गई चाबी मांग के लिए आई, उसके बाद तो छत की सोसाइटी के छत पे डाल रही हूँ चिप्स। अच्युतम केशवम कृष्णतम अवतर राम नारायण जानकी मैया, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तू मेरा कैसे बुलाते नहीं। अच्युतम